ट्रेलर सूर्यवंशी का देखा है मैंने, बहुत ज़्यादा धमाकेदार लग रहा है। पूरे इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, अजय देवगन है, रणवीर सिंह है, अक्षय कुमार है, ये तीनों इतने बड़े स्टार है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और ऑब्वियसली बहुत अच्छा बिजनेस करने वाली है मूवी। बहुत अच्छा लगा, हालांकि रोहित शेट्टी ने नहीं कहा, लेकिन ये पूरी तरह से राकेश मारिया पर बेस्ड है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक रियल कॉप को उन्होंने दिखाया है। जिस तरह से हेमंत करकरे की शहादत के बाद क्राइम ब्रांच छोड़कर वो आए थे एटीएस में और कमर तोड़ के रख दी थी उन्होंने ये केस सुलझाते सुलझाते, उसका सारा जो चीज़ है, उनका जो इनपुट है, इनपुट्स थे और सब कुछ, सबका इनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है और दो दिन तीन दिन पहले से ही पता चल गया था कि सूर्यवंशी का ट्रेलर आने वाला है, तो मैं एक्साइटेड था और मैंने ट्रेलर देखा तो मैं बिल्कुल भी मेरी मतलब उम्मीदों पर खरा उतरा है। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि एंट्री, जब कंटेंट हो और इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो तो ट्रेलर आपको अच्छा ही लगता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया। मैं तो चाह रही थी और भी लंबा ट्रेलर हो सकता था, तो मुझे अच्छा लगा। या जस्ट अभी देखा ट्रेलर, सूर्यवंशी अभी लॉन्च हुआ है आज, सुपर्ब एक्टिंग, सुपर्ब सबका, सब लोगों का बहुत अच्छा है। एंट्री अक्षय की, एंट्री इसकी रणवीर सिंह की, अजय देवगन की, सुपर्ब, या इट्स अमेजिंग मूवी, मतलब ज़बरदस्त। इसका तो एकदम फुल ऑन, मेरे को तो लगता है मॉर्निंग शो से ही फुल हाउस फुल जाने वाला है, एंड आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड टू सी दिस मूवी। थैंक यू सो मच। ट्रेलर सूर्यवंशी का देखा है मैंने, बहुत ज़्यादा धमाकेदार लग रहा है, पूरे इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, अजय देवगन है, रणवीर सिंह है, अक्षय कुमार है, ये तीनों इतने बड़े स्टार है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और ऑब्वियसली बहुत अच्छा बिजनेस करने वाली है मूवी। उनकी मस्ती बहुत, क्योंकि अक्षय कुमार और अजय देवगन सर मिलके रणवीर सिंह की बहुत मजे उड़ा रहे थे, क्योंकि वो लेट आए थे तो वो हमेशा बोल रहे थे कि तुझे हेलीकॉप्टर भी दे देंगे तो भी तू बहाना बनाएगा कि तू वहाँ पे ट्रैफिक मिल गया तुझे, तो उन लोगों की जुगलबंदी देखने में बहुत मजे आ रहा था। ट्रेलर अच्छा है, जिस तरीके से पार्ट वन था, पार्ट टू था, वो ट्रेलर देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक जो यूनिवर्स क्रिएट की गई है तीन लोगों की, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। बाकी का जिस तरीके से ट्रेलर में इंपॉर्टेंस दिया गया है तीनों लोगों को, वो मुझे अच्छा लगा कि मतलब पूरे ना प्रॉपरली स्पेस दिया गया है, चाहे वो कैटरीना हो, सबको। ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, हालांकि रोहित शेट्टी ने नहीं कहा, लेकिन ये पूरी तरह से राकेश मारिया पर बेस्ड है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक रियल कॉप को उन्होंने दिखाया है। जिस तरह से हेमंत करकरे की शहादत के बाद क्राइम ब्रांच छोड़कर वो आए थे एटीएस में और कमर तोड़ के रख दी थी उन्होंने ये केस सुलझाते सुलझाते, उसका सारा जो चीज़ है, उनका जो इनपुट है, इनपुट्स थे और सब कुछ, सबका इनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। सबसे ज़्यादा प्रभावी तो अगर नो डाउट सिंघम ही है, लेकिन इस फिल्म में जो उनका कैरेक्टर है और जिस तरीके से वो ये मेट्रो सेंट्रिक स्टोरी है और राकेश मारिया का कैरेक्टर है, मेरे हिसाब से तो ये राकेश मारिया का कैरेक्टर है, तो उसमें जिस तरह का उन्होंने एक्सप्रेशन दिए वो काफ़ी लाजवाब है, शानदार है। कुछ चीज़ें खटकती भी हैं, लेकिन जो पूरे देश का मॉरल बूस्ट करने के लिए, ख़ासतौर पर पुलिस का, ये फिल्म बहुत अच्छी साबित होगी। इसमें पहली बार, जैसा कि एक पत्रकार ने कहा भी, कि मैजिक के साथ साथ लॉजिक भी है, तो वो नज़र आ रहा है, वो ट्रेलर देखने में आ रहा है, पता नहीं फिल्म में कितना है, लेकिन ये फिल्म पहली बार रोहित शेट्टी की ऐसी होगी जिसमें कुछ लॉजिक नज़र आए, लाजमी है। बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ा विषय है टेररिज्म, वैसे भी छोटे से शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, और फिर तीन तीन सुपर डुपर हिट हीरो हो, तो इतना बड़ा ट्रेलर अखरता नहीं है, क्योंकि कहीं भी वो सोचने का मौका नहीं देखते, एक के बाद दूसरे सीन आता है और मज़ा आया काफ़ी। तो मैं शुरू करता हूँ कि मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है और दो दिन तीन दिन पहले से ही पता चल गया था कि सूर्यवंशी का ट्रेलर आने वाला है, तो मैं एक्साइटेड था और मैंने ट्रेलर देखा तो मैं बिल्कुल भी मेरी मतलब उम्मीदों पर खरा उतरा है। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि एंट्री किसकी अच्छी लगी, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी एंट्री अक्षय कुमार, अजय देवगन की लगी है, जो सिंघम स्टाइल में वो आए वापस से, उनकी गाड़ी जो जिस तरीके से घूमती है, और उनकी उस जो गाड़ी, जो उनकी एंट्री के बारे में अक्षय कुमार ने भी बात किया कि तू हमेशा बार बार जब आता है तो तेरी गाड़ी घूमती क्यों है,
तो मुझे एंट्री में अजय देवगन की एंट्री बहुत अच्छी लगी। सभी एक्टर्स का काम जो भी है बेहतरीन है, मतलब बिल्कुल भी आपको एक भी बार बोर नहीं करता। आपने जो बात किया 4 मिनट का जो ट्रेलर है उसके बारे में बताऊंगा कि आपको एक भी बार लगेगा नहीं कि ट्रेलर ज़्यादा लंबा हो रहा है, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, आपकी आँखें हमेशा उसी पर गड़ी रहती हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है ये फिल्म शुरुआत में थोड़ा सा सीरियस होता है, क्योंकि ये ब्लास्ट के बारे में है और पुलिस इसमें इन्वॉल्व होती है, आप देखेंगे तो। मैं बहुत ज़्यादा इस कहानी के बारे में जानता नहीं हूँ कि ये कहाँ से बेस्ड है या रियल लाइफ स्टोरी से बेस्ड है या नहीं, पर जो भी है वो बहुत बेहतरीन है और मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है, जैसा कि रोहित शेट्टी की बाकी की फिल्में हिट हुई हैं। बहुत अमेजिंग, जितना एक्सपेक्टेशन किया था, टीज़र देखा था तो इतना मज़ा नहीं आया था, लेकिन जिस तरीके से ट्रेलर देखा है परफेक्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अक्षय कुमार और रणवीर सिंह, अजय देवगन अगर कंपेयर तो इन तीनों में कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर तो भी अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे अक्षय कुमार सबसे अच्छे लगे। जिस तरीके से वो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा है। नहीं, जब कंटेंट हो और इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो तो ट्रेलर आपको अच्छा ही लगता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा। मैं तो चाह रही थी और भी लंबा ट्रेलर हो सकता था, तो मुझे अच्छा लगा।